ये अंडे आ गए, ये पांच हो गए तैयार। ये तो अम्मी बोल रहे हैं बड़ा बोल के हम लोग इतने ऐसे कबाब बना रहे हैं, यहाँ पर आपको कबाब यहाँ पर इतने बड़े कबाब मिलेंगे नहीं। ये है मशीन से बैठा हुआ है अंडा, ठीक है। इसका नाम है हैदराबादी बर्गर जी, मैं बनाता हूँ कबाब, उसके बाद आप कबाब देखना किस तरीके से बनाना है, फिर उसके बाद ये होगा। अंडे वाले वो दूसरे कौन से बर्गर है? सादा है, अंडे वाला है सादा है, 60 रुपये का अंडे वाला है, 80 रुपये का, उसमें कबाब भी होगा और अंडा भी होगा। चलो ये है भाई दाल के कबाब, दाल के कबाब, कबाब हम देते हैं 30 रुपये का और बर्गर है 60 रुपये का सादा, और अंडा डलवाएंगे तो आप वो 80 रुपये का है। ये लो भाई, अब ये है 80 वाले, ठीक है, ये 80 वाले बना रहा हूँ मैं। जो फरमाइश है वो बोल रहे हैं केचप मायनीज नहीं डालना है और बना देना। ये आया, ये काली मिर्चें मिर्च होती हैं, ये हम लोग इसके ऊपर डाल देते हैं, ठीक है। अब जो मांगता है अंडे वाला है तो उसको अंडा बना के फिर बना के देते हैं। पाँच अंडे वाला, हाँ अच्छे करके बनाना है, ठीक है भाई, उनके वो नहीं डालना केचप, ठीक है, इसमें केचप नहीं। ये अब कबाब लगा रहा है इसके अंदर, सही है, इसके बाद ये लगाएगा, उसके बाद केचप, फिर केचप लगाने के बाद मायनीस लगाएगा, ठीक है, उसको चटनी दोनों डालेगा, रायता अलग है, चटनी अलग है हमारे पास, ठीक है, रायता है ना, हाँ ये चटनी आ रही है, ठीक है, चटनी उसको बोलेंगे आप, ये रायता इसके बाद डालेगा ये, अभी ये चटनी डाली है इसमें, ये भाई का ना, इन भाई का ना केचप डालना ना वो डालना मायनीस, ठीक है। चाट मसाला डाला, ये चाट मसाला डाला, ये है काली मिर्चें, वो जो उसने डाला है सफ़ेद डब्बे के अंदर, वो है चाट मसाला, सही है। अब ये अंडे पक गए, सही है, तैयार हो गए। अब ये पांच जिस भाई ने मांगा था ना केचप और मायनीस वाला नहीं है, जिसमें कहा केचप और मायनीस नहीं है, ये अंडे आ गए इस पर, ये पांच हो गए तैयार, ये पांच अंडे वाले तैयार हो गए, ठीक है। ये हो गए 80 वाले, ठीक है, उधर वाले हैं वो 60 वाले हैं। अब ये हम घी निकाल लूँगा, फिर दोबारा से तैयार करूँगा। ये हम लोग घी में तैयार करते हैं, सही है, ये घी में, बाद लोग तो तेल भी इस्तेमाल करते हैं, ये हम लोग घी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब ये इसमें डाला मैंने, टाइमिंग बता दें आपकी, टाइमिंग क्या होती है? टाइमिंग तो हमारी ये है कि भाई 12 बजे ये खुल जाता है यहाँ पर दोपहर में, ठीक है, उसके बाद रात के 4 बजे तक के हम लोग होते हैं, 4 बजे तक के चलाते हैं। ये है मशीन से फेंटा हुआ है अंडा, ठीक है, ये मशीन से पहले इसकी सफ़ेदी अलग करते हैं, जर्दी फिर डालते हैं, सफ़ेदी को फेंटने के बाद फिर जर्दी डालते हैं, फिर ये ऐसा बनता है, ठीक है। इसके बाद फिर ये हम लोग ऐसे कबाब बनाते हैं, अब ये कोई प्लेट में मांगता है प्लेट में देते हैं हम लोग इस तरीके से, तो पार्सल मांगता है तो पार्सल दे देते हैं। ये देख रहे हैं आप, इस तरीके से हम लोग कबाब बनाते हैं। ये तो हम नहीं बोल रहे बड़ा बोल के हम लोग इतने ऐसे कबाब बना रहे हैं, यहाँ पर आपको कबाब यहाँ पर इतने बड़े कबाब मिलेंगे नहीं। ये
देख रहे हैं आप कबाब। ये देखो ये कोई आता है तो हम लोग इस तरीके से इन लोगों को मना नहीं करते, दे देते दे। ये देखो किसी को मना नहीं करा जाता, अगर कोई रोटी लेके आया तो कबाब डाल देते। हाँ, रंजोलेन पाकिस्तानी मस्जिद के बराबर में ये बोलते हैं, वो बंदा खुद पहुँच जाएगा। मशहूर है पाकिस्तानी मस्जिद रंजोलेन में। हाँ।